दरवाजा तो बंद है, लेकिन मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी। कोई जरूर आया था। कौन हो सकता है? ऋषभ? ऋषभ, ये क्या क्या हुआ? मॉम, वो वापस आ गया। ब्रह्मराक्षस, संजय, ब्रह्मराक्षस, हाँ, वापस आ गया। बाकी बातें तो बाद में हो जाएंगी, पहले तो बैठ। तुझे कितनी चोट लगी? बैठ। ऋषभ, तुझे इतनी चोट कैसे आई है? ये कहिए, बाल बाल बच गया? आज पेड़ गिर गया था, लेकिन पैर बच गया। पेड़ गिर गया था? कैसे गिर गया था पेड़? पेड़ को छोड़ो, आज हमने ब्रह्मराक्षस को देखा। वो औरत ब्रह्मराक्षस, लेकिन आज भी चेहरा नहीं देख पाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो ब्रह्मराक्षस मर गया था वो वापस कैसे आया? हाँ आंटी, वो जिंदा हो गया है, वो वापस आ गया है। आज जो हमने देखा आप सोच भी नहीं सकती। दोनों ब्रह्मराक्षस एक दूसरे का आमना सामना कर रहे थे, इतना भयानक था आंटी। क्या? हाँ, सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऋषभ, कल हमारा संगीत और तुम यहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। क्या कहा तुमने? गीत क्या बोली मम्मी? कियारा, अपनी आंखें खोलो और देखो ऋषभ, उसे चोट लगी है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये सब छोड़ो, क्या कह रही थी तुम? ऐसी मुसीबत के साथ घूमोगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। Anyway, मैं ये कह रही थी कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। I mean, मुझे और तुम्हारे पेरेंट्स को। Mom. I think मुझे जाना चाहिए। Yeah, that's a good idea. तुमने कहा कल संगीत, तो डेकोरेशन करवा लेंगे। हम कर देंगे। मेरा यही काम है, ये मेरी असिस्टेंट है, मेरे साथ काम करती है। वेरी इंटरेस्टिंग, मजा है। तो काम शुरू करते हैं, पैसों की बात बाद में कर लेंगे। शिवम, भी यहां से निकलते हैं, रात बहुत हो गई और नाइट शिफ्ट नहीं करनी ना। चलो। ऋषभ, परसों शादी है, कल संगीत। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो डिस्कशन, मैंने सब तय कर लिया, एवरीथिंग विल बी फाइन। देखो ऋषभ, यारा इज अ गुड चॉइस। तुम्हारा रैना के साथ तलाक हो चुका है, उसकी मर्जी से हुआ है, अब डिस्कशन का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी रैना का उस गांव वाले के साथ जो चक्कर चल रहा है, उससे हमारी काफी बदनामी हो रही है। लेकिन डैड, मैंने कहा ना, नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्कशन। और मैंने सुना कि रैना अपनी खुशी से तुम्हारे संगीत का डेकोरेशन करना चाहती है, तो ठीक है, तुम्हें भी इस संगीत को खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है? दैट्स इट। यार, तुमसे जरा बात करनी। मॉम, आपको पता था, आपको पता था ना, फिर भी नहीं बताया आपने मुझको। ऋषभ, तू जानता है ना अपने डैड को, उन्होंने राखी के वक्त भी मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। अब इनसे, इनके साथ कैसे, अब डरती क्यों इनसे? ऋषभ, ये बात सच है कि मैं शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन ये भी तो सच है ना बेटा कि रैना ने तुझे तलाक अपनी मर्जी से दी। ऋषभ, तू हमेशा अपना ख्याल रखना, राखी को तो खो चुकी हूँ।
एक और औलाद खोने की हिम्मत नहीं है। सही तो कह रहे, जिनको जाना था वो चले गए, मैं किसका इंतजार कर रहा। ब्रह्मराक्षस की कमजोरी होती है उसके शरीर में ही होती है, एक ऐसा हिस्सा जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, वहां मारोगे तो मरेगा। ये महिषासुर मर्दिनी की विभूति का तावीज है, माँ की शक्ति, माँ का आशीर्वाद है इसमें। ये शक्ति तेरी रक्षा करेगी, इसे संभाल के रखना। माँ ये विभूति उस राक्षस पे काम करेगी जो औरत है, उस ब्रह्म राक्षस का क्या? संजय, जमींदार साहब बोल। नहीं, जमींदार नहीं, वो ब्रह्म राक्षस है, वो वापस आ गया है। उसे देख के लगता है मैंने तुझे ब्रह्म विद्या सीखने भेजा था ना, तो तुझे उनके आने की आहट क्यों नहीं मिली? वो आया नहीं, उसे न्योता देकर बुलाया गया है। क्या उसे ऐसे कोई बुला सकता है? कोई है जो उसे वापस ला सकता है? है तो कैसे? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुझे लगता है ये ठीक हो रहा है? कुछ ठीक नहीं हो रहा। कैसे हो सकता है? ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है, कुछ ठीक कैसे हो सकता है? जब तू इंसान था तब भी और जब तू शैतान था तब भी मैंने तुझे मारा। वापस नहीं आना चाहिए था। मैं एक बार फिर तुझे मार दूंगी। आप नहीं,
अब नहीं, अब मौत मुझे नहीं तुझे मारेगी, तुझे। मौत तो तेरी आई है, चल मर। संजय और रैना दोनों को एक साथ मारूंगी, एक तीर से दो शिकार। इन फूलों को क्या करना है जल्दी बताओ। रख तो रख दो, वो नाम से बुला। सुन शिवम, मेरा मुंह और मेरी मर्जी, मेरी मुट्ठी मेरी मर्जी। तू यहाँ काम करने आया ना, ये मुट्ठी किसको दिखा रहा है? मारेगा भैया। आई एम सो सॉरी। समझाओ इसे। शिवम तुम लाइट्स लेने जाने वाले थे ना, प्लीज लाइट्स ले आओ। क्या? ये फूल हम वहां रख देते हैं। ठीक। ये क्या था? क्या जरूरत है इन लोगों को मस्का लगाने की? शिवम मैं मस्का नहीं लगा रही थी, मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ ना, मैं बस अपना काम कर रही थी। हमें यहाँ पे काम करना है ना। वो ब्रह्मराक्षस मुझे मार देगा, प्लीज। आप जमींदार साहब की पत्नी है ना? हाँ, हाँ, लेकिन वो ब्रह्मराक्षस, वो कौन सा ब्रह्मराक्षस? वो आदमी वाला की औरत वाला? औरत, औरत वो चुड़ैल। हाँ, वो। देखा शंभू? तू पैसे मांग रहा था ना? अब देख, वो ब्रह्मराक्षस आएगा, तुझे ले जाएगा। तो पैसे क्या तू अपने साथ में ले जाएगा? उस राक्षस औरत ने हमला किया था तो संजय साहब क्यों नहीं आए उसे बचाने के लिए? और मैंने तो सुना था कि वो उस चुड़ैल से भिड़ गए थे। क्या हुआ? अरे ब्रह्म राक्षस का वार हुआ, ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गांव वाले तो ब्रह्म राक्षस की मांग पूरी करने वाले थे ना, रैना को उसके हवाले करने वाले थे, यही थी ना उसकी मांग? हाँ हाँ, पर वो दोनों रामलखा ना आ गए ना उसको बचाने के लिए, ऋषभ और शिवम। ये शिवम वही है ना जो ब्रह्म राक्षस को मारने की विद्या सीख कर आया है? हाँ, फुल्ली ने तो यही बोलकर उसको शहर भेजा था। तो क्या उसी ने संजय को न्योता देकर वापस बुलाया? उसी ने जिंदा किया संजय को? कहा मैडम जी, और राक्षस है कोई जूता नहीं, की सिलाई कर दिए और जूता फिर से बन गया। जूते और राक्षस में फर्क होता है, समझा? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैंने उस राक्षस को मार दिया था। इस गांव की यहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के मैंने उसका अंत किया था, फिर वो राक्षस वापस कैसे आया? कोई तो उसे वापस लेकर आया है ना? सरपंच जी को बुलाओ। वाव, द फ्लावर्स, ये फूल भी इस गांव की तरह बिल्कुल बकवास और गंवार है। वो क्या है ना, हम गांव में हैं, शहर में नहीं, तो यहाँ पे तो ऐसी चीजें मिलती। इनफैक्ट सच कहूँ तो यहाँ की सादगी में ही यहाँ की खूबसूरती है। लेकिन क्या है ना मिसी, संगीत मेरा है, गांव का नहीं। तुम्हारे टाइप की चीजें ना मैं खरीदने गई थी मार्केट में, मिली नहीं, सो सॉरी। ऋषभ, स्वीटी, संगीत की रिहर्सल शुरू करते हैं। मिसी, ये फैमिली परफॉर्मेंस है, एक फोटोग्राफ क्लिक कर दोगी? वो गांव की सादगी भरी खूबसूरती वाली।
ब्रह्मराक्षस ने रैना की मांग की थी, हमने अब तक रैना को ब्रह्मराक्षस के हवाले क्यों नहीं किया? लेकिन रैना को राक्षस के हवाले करने से उसका वजूद तो नहीं मिट जाएगा ना? तुम्हारे बेटे ने संजय को फिर से जिंदा किया, क्या जरूरत थी उसकी? नहीं, मेरे बेटे ने शिवम ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ वो जंगल गया था लेकिन रैना को बचाने के लिए। एग्जैक्टली, वो उसे बचाना चाहता है इसलिए उसने संजय को जिंदा किया, ताकि संजय उस राक्षसनी को मार दे और रैना बच जाए। एक लड़की को बचाने के लिए तुम्हारे बेटे ने पूरे गांव को मौत के मुंह में डाल दिया है। नहीं देखिए, मेरे बेटे ने शिवम ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस गांव में किसी और को ब्रह्म विद्या आती नहीं है। उस लड़की ने अपना काला साया शिवम पे छोड़ दिया है। काला जादू मंडराएगा इस गांव पे, पूरा गांव खा जाएगा। बेटा तो बेटा, माँ भी उसके वश में। उल्ली, तेरे सर पे टोटका बैठा है, चल चल के झाड़ा ले ले, चल। देखिए ऐसा कुछ नहीं, आप लोग मेरी बात सुने। ऐसा ही है, टोटका कर दिया उसने माँ बेटे पर। बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गई। ऋषभ कहाँ चला गया? सुनो, ये रैना को देना, बोला मैंने बोला मेरे कमरे में आने के लिए, चल जाओ। सरपंच जी, हमें इंसाफ चाहिए, ये औरत पूरे गांव के साथ छल कर रही है, धोखा दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने अपने बेटे को शहर भेजा था लेकिन सिर्फ इस गांव से दूर रखने के लिए। झूठ मत बोल फुल्ली, तू जमींदार की हवेली पे काम करती थी ना? अब बस ये उसी काम की वफादारी बोल रही है। तू नहीं अपने बेटे को ब्रह्म विद्या सीखने के लिए शहर भेजा था ना, ताकि वो गांव आकर जमींदार को वापस से जिंदा करे, है कि नहीं फुल्ली बोल? नहीं नहीं नहीं, ये लोग राक्षस को क्यों जिंदा करेंगे, जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ? ये फुल्ली, इसने अपने बेटे को ब्रह्म विद्या सिखाई अपने जमींदार को वापस लाने के लिए, ये औरत गद्दार है। नहीं ये गलत है। मिसी, संगीत के लिए तैयार होने जा रही हूँ, आज तो ऐसा तैयार होंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। इतना भी पीछे मुड़ के मत देखो, जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। शिवम, तुम क्या कह रहे हो?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब है सबका? मैडम ये पगड़ी ऋषभ साहब को दे देना। मैं ऐसे कैसे पकड़ा दिया, मैं कैसे दूं? पूरा हिसाब कर दो। तेरे पैसे लेके कोई भाग नहीं रहा यहाँ से। भाग के जाओगे कहाँ? क्या बात हुई थी, संगीत खत्म होने से पहले पूरा हिसाब कर दोगे? मन से कंगाल हो या धन से? गिन ले, ज्यादा ही होंगे, तू भी क्या याद रखेगा। शिवम भैया माँ को चोट लगी है। क्या? Come in. तुम्हारा टर्बन क्यों नहीं पहना सकती? यही काम है ना तुम्हारा? पर मुझे पहन नहीं आती, नहीं हेल्प कर दो। क्यों, क्या हुआ? बॉस की परमिशन नहीं है? क्या हुआ, क्या हुआ? माँ, माँ, ये क्या हुआ? ये किसने किया? काका, ये किसने किया? शिवम, शिवम, शिव, वो लोग रैना के पीछे गए हैं, वो उसकी उसकी बलि दे देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है शिव। पानी लेके। वो अपराजित है ना, उसने उसने पूरे पूरे गांव को भड़काया और ये बोल के उकसा है कि रैना की वजह से वो राक्षस पूरे गांव पर बार बार हमला कर रहा। मुझे डर लग रहा है। अब पानी पियो। वो लोग उसकी उसकी बलि चढ़ा देंगे, उसको बचा। कैसे नहीं रुकेंगे? एक ही रास्ता। एक्सक्यूज मी, मैं ये सब क्यों करूं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं जो तुम्हारे हर हुक्म को मानूं। हाँ, हुक्म तो सिर्फ तुम शिवम की मानोगी, है ना? ये कैसे बात कर रहे हो तुम ऋषभ? तुम्हारी शादी होने वाली है और अभी मेरी गलती। जिंदगी में आगे तुम बढ़ रही हो, खूब खुश होके आगे बढ़ रही हो और इल्जाम मुझ पे लगा रही हो, राइट? हाँ, क्योंकि तुम्हीं ने कहा ना कि तुम्हें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना, तो वही कर रही हूँ। हाँ, आगे बढ़ना है क्योंकि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती थी, इसलिए। तुमने मुझ पर अफेयर का इल्जाम लगाया था ऋषभ। तो क्या गलत किया, क्या गलत किया, बोलो, जवाब दो। क्यों जवाब दूं? हाँ बोलो, तुम्हें मैं क्यों जवाब दूं? कभी तुमने मुझे पत्नी समझा ही नहीं, तो अब क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो तुम ऋषभ? और किस हक से तुम ये सवाल जवाब करते हो? तुम होते कौन हो? और तुम्हें सवाल करने हैं ना, तुम करो, मैं तो जवाब देने नहीं वाली, क्योंकि सवाल और जवाब लेने देने का हक तुम खो चुके हो ऋषभ। हाँ, ये सारे हक तो उस शिवम के पास है। हाँ? तुम्हारे पास कोई हक नहीं है और तुम्हारे लिए सिर्फ यही जानना जरूरी है, समझे ना? आज ब्रह्मराक्षस ने मुझ पर अटैक किया, मैं मरते मरते बच गई। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं पता है क्या हो रहा है, मैं रहना दे दो बस। से हमें दे दो साहब, पूरा गांव दांव पर लगा है। सरपंच जी, आप गांव को बचाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही, लेकिन उसके लिए एक मासूम इंसान की जान को दांव पर लगाना, क्या ये सही है सरपंच जी? मासूम? मासूम नहीं है वो, एक बुरा साया है, एक काला साया, इसके अंदर वो भूत प्रेत मौजूद है। क्या कहते हैं आप लोग उसे अंग्रेजी में? ये लड़की जॉम्बी है, जॉम्बी है ये लड़की। हाँ, जॉम्बी क्या है अंग्रेजी में? चुड़ैल, अंग्रेजी चुड़ैल, ये लड़की अंग्रेजी चुड़ैल है। हाँ, चुप कर बाबा, चुप। आवाज करता है पूरे गांव पे, ये अपना काला साया फैला रही है, उस शिवम पे भी फैला रही है, उस पे तो जादू कर चुकी है, उसको अपने वश में ले चुकी है। शिवम, 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 देखो। भाग्या अपनी माँ के पास। राक्षस ने की एक ही मांग है साहब, ये लड़की से हमारे हवाले कर दो। हवाले कर दो? नहीं करेंगे, हम देंगे।
जरूर देंगे। क्या? लेकिन हमारी एक शर्त है। उस राक्षसनी की मांग ये लड़की रैना है, वैसे ही राक्षस की भी कोई मांग है। क्यों अप्पू, याद है ना तुम्हें, बीवी हो उसकी, उस जमींदार की जमींदारनी। अब वो जब आएगा तब तुम उसकी मांग पूरी कर देना। मेरा मतलब है कि तुमने उसके नाम का सिंदूर भरा है, अब उसका मन रख दो, है ना? क्या? हाँ। नहीं नलन, ये ऐसा कैसे? हाँ, सही कहा। राक्षसनी की मांग पूरी कर रहे हैं तो राक्षस की भी मांग पूरी होनी चाहिए। हाथ तो लगाए दिखाओ रैना को, हाथ लगाए दिखाओ, हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। स्टॉप इट ऋषभ। क्या डैड? नॉट डन। रैना को ले जाना तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा इनको। नलिन, मैं नहीं जा सकती, अगर वो आ गया तो। नहीं नलिन, मैं। चुप करो सब। ऋषभ, मैं तुम्हारी हूं नहीं कि तुम डिसाइड करोगे कि मुझे देना या नहीं देना है। मैं आप सबके साथ चलूंगी, मैं भी उस राक्षसनी को देखूं और जानूं कि कौन है इसने मेरे पापा को मार दिया। मैं चलने के लिए तैयार हूं और आप भी चलने के लिए तैयार रहिएगा। इस गांव को और गांव वालों को बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। देंगे ना रैना? अगर हम दोनों के मरने से इस गांव से खौफ चला जाता है तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। ले जाइए हमें। चलो चलिए चलिए चलो चलो। रैना रुको, रैना रुको, रैना रैना छोड़ो। क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या करूं, कैसे बचूं? अगर संजय सचमुच आ गया तो। यार आपने अच्छा नहीं किया ये। गलत भी क्या किया? हाँ, उस ब्रह्म राक्षसनी को रहना चाहिए, जिसको तुम बचाने की कोशिश करे ना उसकी वजह से पूरे गांव की जान आफत में। तुम क्या जानते इस गांव के बारे में? तुम अभी अभी तो आई हो। अरे वो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, एक की बलि लेके मानने नहीं वाला वो। और डैड, आपको लगता है रैना को वैसे ही छोड़ दूंगा, उसे कुछ होने दूंगा? मैं उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। ऋषभ कुछ कर, बचा ले रैना को। योग तो क्या कर रहा है? योग छोड़ इसे। क्लोरोफॉर्म है। योग छोड़, भाई है तेरा। भाई है, इसलिए चाहता हूँ जिंदा रहे। छोड़। अरे दो मिनट। बस इजी। वेद, इसे उठाने में हेल्प कर। अच्छा, जाओ कमरे में ले जाओ उसे। कमरे के बाहर गार्ड लगवा रहा हूँ मैं, ताकि जब भी होश में आए तब फिर से वहां न चला जाए। लेकिन बस अब इस पे कोई बात नहीं होगी। मोहिनी चाहकर भी हम रैना को नहीं बचा सकते, कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। कोई भी का मतलब कोई भी कुछ नहीं करेगा। नहीं, ये गलत है। आप ऐसे जिंदा लोगों की बलि कैसे चढ़ा सकते हो? ये लाल चुनरी असुर खल के बाहर लगा देता हूं, यही होगा उस राक्षस का निमंत्रण, उसका न्योता। चलो चले सरपंच जी। संजय आपका कर्म और वो राक्षस नहीं मेरा। हम अपने कर्मों से भाग सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। कर्मों का हिसाब चुकाना तो पड़ेगा ही। मैं अपने कर्म खुद लिखती हूँ और आज भी लिखूंगी। तुम अपने कर्म खुद जानो, समझी? चिंदी,
मेरी जिंदगी में दो राक्षस आए, एक ने मेरी राखी को मार डाला और दूसरी ने मेरे पापा को मार डाला। आज उनका हिसाब चुकता करूंगी मैं, खुद तो मर जाऊंगी लेकिन उस राक्षस को जरूर मार डालूंगी। आज इंसाफ होगा, सबका इंसाफ होगा। इंसाफ वो क्या होता है? अपराजिता कहाँ चली गई? यहीं पे तो थी। मैं यहां हूं। तुम यहां कैसे? और तुम्हारी रस्सियां कैसे खोल दी तुमने? मैं कब बंधी हुई थी? ना मुझे ये गांव बांध सकता है और ना ही ये रस्सियां। क्या कह रही थी तुम? तुम्हें इंसाफ चाहिए ना? हाँ तो सुनो, इंसाफ की कहानी सुनो। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ ताकत होती है। जिसकी ताकत उसकी कुदरत। मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकती हूं क्योंकि मैं सिर्फ लेना जानती हूं। और तुम जैसे लोग, मेरा मतलब है कि तुम जैसे मामूली लोग सिर्फ देना जानते हो। तुम सिर्फ दान देते हो और मैं बलिदान लेती हूं। बलिदान। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें याद है वो रात, वो मुलाकात जब मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांग रही थी? रैना, रैना प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज रैना प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचा लो रैना प्लीज, मेरी जान खतरे में, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। याद है। और तुमने क्या किया? तुमने मेरी मदद नहीं की, तुम वहां से चली गई। और फिर उसके बाद उस रात वहां क्या हुआ तुम्हें पता है? अप्पू माँ मिली थी, वो हेल्प मांग रही थी। हमें करनी चाहिए क्या? नहीं, नहीं। जानना चाहती हो उस रात कौन जिंदा हुआ? देखना चाहती हो ना? मार दूंगी। अब मैं तुम्हें मारूंगी। इतनी बड़ी धोखेबाज हो तुम, सिर्फ झूठ बोला है तुमने। झूठ बोला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई, यहां तक कि ऋषभ को भी मारने की कोशिश की तुमने। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। दिल टूट गया ना तुम्हारा? हाँ, यहां तक आवाज आई लेकिन बस सिर्फ यहीं तक, क्योंकि अब ये आवाज मैं खत्म कर दूंगी, मार दूंगी तुम्हें। फिर कौन बचाएगा तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पति, तुम्हारे प्रेमी को, तुम्हारे राम लखन को, इस गांव को कौन बचाएगा? आज रात मैं सब खत्म कर दूंगी, सब कुछ। जितनी तेज भाग सकती है भाग। आज मैं देखना चाहती हूँ।
कौन ज्यादा तेज भागता है, इंसान या शैतान? नहीं भागूंगी मैं, क्योंकि मैं तुमसे डरती नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज तक तुमसे बड़ा कायर मैंने देखा नहीं। तुम तो कहती हो कि बहुत ताकत है ना तुम में, तो मुझ पर वार क्यों नहीं किया? मेरा सामना क्यों नहीं किया? खुल के सामना क्यों नहीं किया? क्यों हमेशा छुप छुप कर नादानों की जान लेती गई? पता है क्या, थू है तेरी शक्तियों पर। आज तक तूने एक भी शक्तिशाली काम नहीं किया, बस कायर है तू, कायर। पहले पहले अपने पति को धोखे से मार डाला, तू क्या समझे दिल क्या होता है, कैसे टूटता है, टूटने पर कैसी आवाज आती है? तू क्या समझे कि प्यार प्रेमी पति क्या होता है? पति और प्रेमी तो छोड़ो, तुम तो दोस्त का भी मतलब नहीं जानती। शिवम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम्हारी तरह दोस्त के भेष में दुश्मन नहीं। अरे मैं तेरे सामने हूं, चल चल अपनी ताकत दिखा, बहुत ताकत है ना तुझमें, अपनी ताकत दिखा, मार मुझे, मार, दिखा अपनी ताकत। चल आज तेरी मर्जी की मौत ही सही। दोनों को मार दूंगी, दोनों साथ में मरने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों की मौत आई है, मैं तुम तीनों को मार दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी। सुनते हो? तुम मरे या नहीं? तुमने ब्रह्म राक्षस बनकर मुझे जीने नहीं दिया, और ये रहना जिसने मरने के बाद भी मुझे मरने नहीं दिया, ब्रह्म राक्षस बना दिया, मैं तुम तीनों को मार दूंगी। विभूति, thank you.
आज अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना, इस गांव को छोड़ूंगी नहीं, मैं आग लगा दूंगी इस गांव में। नहीं, कंट्रोल यो सर, मिल जाएंगे वो, शांत हो जा। और तू तो अब तक क्या क्या खड़ा हूं, जा जाके अपने भाई को ढूंढ। आज अगर ऋषभ को कुछ हुआ ना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। फिर बच गए? ये शैतानी आत्मा है। मुंह बंद कर बाबा के बच्चे, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। अगर तुम्हारे रहना को देने की बात सोची ना, तो तुझे राक्षस सामने परोस दूंगा मैं। और आप लोग क्या हो गया, आप लोग पागल हो गए? ऐसे किसी को राक्षस के हवाले कर देंगे आप? अगर इसकी जगह आपकी माँ बहन बेटी होती तो क्या करते, यही करते आप? इस गाँव के नाम पर अपना जान न्योछावर कर देते हैं। ए लड़की, ऋषभ, चल ऋषभ, हमें इन सब में नहीं पड़ना। हाँ मैं। रुक जाओ, रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है? हम तुम्हें क्यों बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा था? मैं जानता हूँ। फिर पूछ क्यों रहे हो? इससे मैं इसलिए पूछ रहा था, इस लड़की को क्यों बचा रहा था? क्या लगती है ये तेरी? इस लड़की का ब्रह्म राक्षस के साथ क्या रिश्ता है? वो इसको क्यों मारना चाहता है? अच्छा, ब्रह्म राक्षस के नाम पे पैसे मारने आया है? जैसे तुमने मोची के मारे थे। हम इसे जानते भी नहीं, ये है कौन? हाँ, कौन है? पर मैं उस ब्रह्म राक्षस को जानता हूँ। आप जानते हैं उसका विनाश कैसे हो सकता है? कौन से राक्षस का? जो धोखे से बना है वो आदमी, या वो जो सबकी नाक के नीचे बैठकर हम सबको धोखा दे रही है वो औरत? आप किस औरत की बात कर रहे हैं? उसी की, जो तुम्हारी दोस्त थी, जिसने गाँव के जमींदार को ब्रह्म राक्षस बना दिया। अपराजिता? हाँ, वही। वही है ब्रह्मराक्षस। अपराजिता ब्रह्मराक्षस? हाँ माँ, हमने देखा उसे, उसने रैना को जान से मारने की कोशिश भी की। हाँ, उसी ने मेरे पापा को मार दिया, और करवा चौथ पर युग भाई और ऋषभ पे अटैक उसी ने किया था। अपराजिता और ब्रह्मराक्षस? नहीं नहीं डैड, हाउ इज दिस पॉसिबल? अप्पू माँ ब्रह्मराक्षस हो ही नहीं सकती है। ब्रह्मराक्षस का बनना और मिटना, ये दोनों हो सकता है। आपको कैसे पता अपराजिता ब्रह्मराक्षस है? आपने उसे देखा क्या? ये मैं सब देख सकता हूँ। ये स्वामी कनकराज जी है, इन्होंने बरसों ब्रह्म विद्या की साधना की है। मेरे बेटे शिवम को भी इन्होंने ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है। शिवम ने उस सोए हुए शैतान को फिर जगा दिया था। नहीं, वो शैतान खुद जाग उठा है, उसका विनाश ही कब हुआ था? उसे तो दफन कर दिया गया था, उसका शरीर था ना, उसे तो आना ही था अपने अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए। और इसलिए तुम्हारा इस गांव से जाना जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, वरना तुम्हें मार डालेगी। रैना को क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? और तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? अरे उसकी जान को खतरा है, समझ में नहीं आता तुम्हें? उसके दोस्त और दुश्मन। इस लड़की की जान लेकर ही उस औरत को सुकून मिलेगा, इसलिए इस लड़की को यहां रुकना पड़ेगा।